वैसे दोस्तों, झारखंड के जो कर्मचारी आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पर झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में यह डिसीजन ले लिया गया है कि राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हैं। अब उसमें कुछ चीज़ें शर्तें अभी रखी गई हैं, ऐसा नहीं कि सीधा कह दिया गया कि लागू कर दिया गया है। अब वो चीज़ें क्या हैं थोड़ा सा मुझसे समझेंगे इस वीडियो में, लेकिन एक खुशी आप मना सकते हैं कि झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, और साथ में इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए और नई अस्थायी पेंशन योजना को बंद कर दिया जाए। अब इसे बंद करने की जो प्रक्रिया है और नई पुरानी पेंशन योजना को जो लागू करने की प्रक्रिया होगी, इसके लिए यहाँ पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ये समिति 3 सदस्य होगी। यहाँ पर विकास आयुक्त जो होंगे राज्य के, वो अध्यक्षता करेंगे। प्रधान सचिव भी उसमें शामिल होंगे। तो ये समिति स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का निर्माण करेगी और इसके बाद फिर इसे मंत्रिपरिषद में रखा जाएगा, जहां से ये पास होगी, फिर ये योजना आप सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं लागू भी हो गई है, या कह सकते हैं कि यह उस दिशा में एक सार्थक कदम है, एक कदम आप आगे बढ़ चुके हैं। फिलहाल दोस्तों, न्यूज़ अच्छी है, खुशखबरी है, और सभी को खुश होना चाहिए, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो झारखंड के हों या भारत के किसी भी कोने के हैं। तो और दोस्तों, प्रस्ताव नंबर, ये तो 22 की बात होगी, प्रस्ताव नंबर 50 में बात किया गया है कि जो कर्मचारी 1 दिसंबर 2004 से पहले अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर चुके थे और उनकी नियुक्ति उसके बाद हुई, वो कर्मचारी विकल्प देकर पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, अर्थात उनके लिए इस योजना को अनुमन कर दिया गया है। फिलहाल दोस्तों, पुरानी पेंशन के संबंध में 2 खबरें आज कैबिनेट की मीटिंग से आई हैं। ऐसे संबंधित कोई भी न्यूज आपसे मिस न होने पाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के संबंध में, चैनल के संबंध में आपके कोई सवाल, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।